वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे गुजराती की एक फेवरेट स्वीट गुड़ पापड़ी यानी कि सुखड़ी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं सुखड़ी में लगने वाली सामग्री। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है और मैंने 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जो नॉर्मली हम रोटी के लिए लेते हैं वही आटा लिया है और इस कटोरी से ही मैंने नाप लिया है। तो 2-3 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है और गुड़ को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है जिससे जल्दी से वो मेल्ट हो जाए। और आप गुड़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 कटोरी शुद्ध घी लिया है और घी की अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और घी भी लूँगी। तो शुरू करते हैं सुखड़ी बनाना। कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए रख दी है और इसमें मैं घी डाल दूँगी। अभी मैं 2 कटोरी घी डालती हूँ। घी को अच्छे से मेल्ट करना है। बाद में हमें इसमें गेहूं का आटा डाल देना है। गेहूं का आटा मैंने जो नॉर्मली हम चपाती में लेते हैं वही लिया है, बारीक वाला। गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है। अभी घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अभी मैं इसमें गेहूं का आटा डाल दूंगी। अभी मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है और मैं स्लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। मैं धीमी आंच पे ही ये सुखड़ी को सीकना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और घी डालूंगी। अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। मैं 2 चम्मच और घी डाल दूंगी। घी मैंने घर का बनाया हुआ ही लिया है। और घी घर पे कैसे बनाते हैं मलाई में से, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और धीमी आंच पे मैं इसे सेकूंगी। अभी मैं धीमी आंच पे इसे पकाऊंगी। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है और 5 मिनट मैंने हो चुके हैं आटे को सेकते हुए। लगभग 15 से 20 मिनट में हमारी सुखड़ी तैयार हो जाती है और एकदम धीमी आंच पे ही हमें इसे सेकना है। जैसे जैसे हमारा आटा सिक जाएगा वैसे हल्का हो जाएगा। धीमी आंच पे ही हमें इसे कंटिन्यूस हिलाना है और 4-5 मिनट होने के बाद 5 मिनट होने के बाद ये आप देख सकते हो थोड़ा हल्का होने को आया है। इसे कई राज्यों में गुड़ पापड़ी भी बोलते हैं और एक हेल्दी स्वीट है और इसमें हम गुड़ का यूज़ करते हैं तो गुड़ हमारे शरीर के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैं 4-5 मिनट और सेकूंगी इसे। थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने को आया है और 4-5 मिनट के लिए मैं इसे और सेकूंगी। अच्छा हल्का होने को आया है। आटा हमारा काफ़ी हल्का हो चुका है। अभी 4-5 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है और बाद में हम इसमें गुड़ डाल देंगे। 4-5 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। 4-5 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से सीख के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी और हमें गुड़ डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक ही इसे गैस पर रखना है। अगर ज़्यादा देर तक हम इसे गैस पर रखेंगे तो वो हमारे जो गुड़ की चाशनी हो जाएगी और सुखड़ी हमारी कड़क हो जाएगी। अभी फटाफट से हमें इसे मिक्स कर देना है। आटा हमारा गर्म है तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा।
एक से 1.5 मिनट बाद मैं गैस बंद कर लूँगी और तवे को मैं कढ़ाई को मैं नीचे उतार के फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ताकि जो गुड़ थोड़ा मेल्ट होने को बचा हो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है और अभी मैं इसे नीचे उतार के गैस से नीचे उतार के फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है गैस से और अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कुछ भी गुड़ का टुकड़ा बचा हो तो वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो आटा है वो भी अभी गर्म ही है। आप देख सकते हो एकदम अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से मैं 1-1.5 मिनट तक मिक्स करती रहूँगी और बाद में हमें फटाफट इसे एक प्लेट में ले लेना है। ये प्रोसेस हमें थोड़ी जल्दी ही करनी है क्योंकि बाद में वो सुखड़ी हमारी जम जाएगी तो इसके अच्छे पीस नहीं पड़ेंगे, टुकड़े नहीं होंगे। अब सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम अच्छा कलर आ गया है और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैंने एक प्लेट ले ली है और इस पर मैंने अच्छे से घी लगा लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है जिससे हम जब सुखड़ी के पीस निकाले तो वो निकल जाए अच्छे से। अभी मैं सुखड़ी का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो थाली में ले लेती हूँ और इसे अच्छे से मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी, दबा लूँगी। आप कटोरी से भी ये कर सकते हो। अच्छे से सब इसे इस तरह से हमें कर लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी सुखड़ी का। अभी जो साइड की किनारी है वो थोड़ी ऊपर हो गई है तो इसे भी हम अच्छा कर लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे जिससे हमारे जो सुखड़ी के पीस हो वो एकदम अच्छे आए, बाहर निकले तब एकदम अच्छे से निकले। अभी हमें सुखड़ी जब गर्म हो तभी इसके पीस कर लेने हैं, ठंडी हो जाने के बाद इसके पीस अच्छे नहीं पड़ेंगे। अभी मैं चाकू की मदद से छोटे छोटे इसके पीस कर लूँगी। अब अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हो। इस तरह से हमें सुखड़ी के पीस कर लेने हैं। सुखड़ी बनाते टाइम ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि गैस पे हमें गुड़ डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना हमारी सुखड़ी सॉफ्ट नहीं होगी। इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी सुखड़ी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैं 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी जिससे ये अच्छे से जम जाए। अभी 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी सुखड़ी अच्छे से जम चुकी है तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी सुखड़ी बनी है और एकदम इजीली हम इसे निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी सुखड़ी और अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो तैयार है हमारी सुखड़ी यानी कि गुड़ पापड़ी। आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकती हूँ क्योंकि इसमें हमने शक्कर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है और ये एक हेल्दी स्वीट है। इसी तरह से बनाइए तो आपकी सुखड़ी सॉफ्ट होगी।